वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस छोटे से चैनल को प्लीज़ प्रमोट कर देना। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब होता है, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले जो मटेरियल आया गोदाउन में उसे क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे किसके लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए। अब देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको स्टोर लीजर अकाउंट बनाना है फीफो मेथड से, ठीक है। और ये डेट दे दी कि डेट 3 डेट को क्या आया, रिसिप्ट हुई है, 4 को क्या हुआ, इशू हुआ, फिर 5 का, 7 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, ऐसे अपन को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट जो मटेरियल है वो गोदाउन में आया, और इशू का मतलब क्या होता है कि जो गोदाउन में जो मटेरियल है उसे क्या करा, इशू करा, निकाला गया गोदाउन से, ठीक है। अभी ये इसका ये लेज़र है, ये इसका फॉर्मेट है, ये देख सकते हो कि डेट आएगी एक साइड, एक साइड रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, ठीक है। अब पहले अपन देखेंगे कि डेट वाइज यहाँ ट्रांजेक्शन आएगी। तो सबसे पहले क्या है, 3, तो अपन यहाँ लिख देंगे 3/1/2019, ठीक है, सिंपल। अब कितना अमाउंट आया, 2000 रुपीज़ आया, तो 2000 रुपीज़ कहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ क्वांटिटी में लिख देंगे। और ये जो रेट है वो रेट कौन सी लगेगी, ये वाली लग जाएगी, 1 वाली डे रेट लग जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आपको बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब इसमें क्या है, 3 डेट को क्या है, इशू नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब बैलेंस, अब बैलेंस में क्या होता है कि मटेरियल गोदाउन में जितना माल है वो यहाँ लिखते हैं। अब देखो गोदाउन में अभी तक एक ही माल आया है, वो कौन सा है, 2000 यूनिट क्वांटिटी का, तो ये 2000 क्वांटिटी कहाँ लिख देंगे, क्वांटिटी में लिख देंगे, 2000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 1 और क्या जाएगा, 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 3 के पास क्या आता है, 4, तो 4 लिखेंगे, 4/1/2019। अब क्या है, ये इशू है, यहाँ देखो इशू है, तो अपन इशू के कॉलम में लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे इशू में, 500 की क्वांटिटी है वो गोदाउन से क्या किया, निकाल दिया गया, इशू कर दिया गया, तो 500 ये। अब यहाँ जो रेट लगेगी वो रेट कौन सी लगेगी, ये बैलेंस वाली रेट लगेगी, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2000 क्वांटिटी थी, उसमें से 500 क्वांटिटी को अपन ने क्या कर दिया, इशू कर दिया, अब कितनी बची, 1500, समझ में आया। इशू में क्या किया, 2000 में से लेस कर दिया 500, तो 1500 क्वांटिटी आ गई। अब जो रेट है वो कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, 1 वाली, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1500 क्या आएगा, 1500 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 को क्या है, रिसिप्ट है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5/1/2019। अब क्या है, 3000 रुपीज़, तो 3000 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे जल्दी से, और ये क्या है, 1.40। अब इसको 3000 को क्या करेंगे, 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो। अब मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ कि 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1.40 क्या आया, 4200, तो 4200 कहाँ लिखेंगे, 4200 यहाँ, ठीक है। अब इसे इंटू कर दिया तो क्या आ गया, 4200 आ गया। अब ये देखेंगे कि अब इशू के अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, अब बैलेंस के अमाउंट में क्या होगा, 1500 पहले का था, तो अपन 1500 लिख देंगे रेट 1 वाली, और फिर एक नया मटेरियल है वो फिर से आ गया, तो ये 3000 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे, समझ में आया कि 1500 ऑलरेडी गोडाउन में रखा हुआ है माल, और 3000 रुपीज़ का 5 जन को क्या आ गया, और आ गया, तो ये 3000 क्या लिख दिया यहाँ, 1.40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो सिंपल तरीका बताए तो 1500 में से ऐड कर देंगे 4200,
तो 1500 में से ऐड करेंगे, ये देखो 1500 में से ऐड करेंगे 4200, तो आएगा 5700। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, यहाँ 5700। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है सब? अब सेवन का डेट लिखेंगे, या 7/1/2019, या 19 लिख रही हूँ मैं। क्या आया? इशू है, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू में सेवन डेट का क्या हुआ? 2000 रुपीज़। तो अब यहाँ ध्यान देना कि ये सेवन, ध्यान देना कि 2000 रुपीज़ है, इसे क्या करना है, गोदाउन से बाहर निकालना है। अब अपन कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल पहले आया था उसे क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे। तो इसमें इन दोनों में से ये बताओ कि सबसे पहले मटेरियल कौन सा आया था। 1500 आया था पहले, तो अपन पहले 1500 में से क्या करेंगे, 2000 रुपीज़ देंगे। अब 2000 रुपीज़ तो क्या है, ज़्यादा है, तो 1500 तो लिख देते हैं कि 1500 तो इसमें से दे देंगे। ठीक है, इसमें से दे दिया। अब कितना बचा, 500 बचा, तो 500 किस में से देंगे, नेक्स्ट वाली यूनिट से, इसमें से, तो 500 इसमें से देंगे। अब जो 1500 है, ये 1500 में जो रेट है 1, वो 1 वाली रेट यहाँ लग जाएगी। 500 है वो, उस पे रेट कौन सी लगेगी, 1.40। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को किससे करेंगे, 1 से, तो 1500। ठीक है, और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 से, तो क्या आएगा, 700। तो ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब देखो 1500 में से 1500 गया, और 3000 में से 500 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2500 आ जाएगा, और रेट क्या लगेगी, ये वाली 1.40। अब इसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा आपका। ये हो गया सेवन्थ का। अब है टेंथ का। अब टेंथ को क्या है, अब ये देखो डेट लिखेंगे अपन टेंथ की। टेंथ लिख दिया यहाँ 1/2019, क्या है, 2000 रुपीज़, रेट क्या है, 1.50। ठीक है, अब देखो 2000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, 3000 रुपीज़, तो क्या करेंगे आप, 3000 रुपीज़ क्या कर देंगे यार, 3000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, अब इशू में कुछ नहीं आएगा। अब ये 2500 गोदाउन में पहले से मटेरियल था, और 2000 रुपीज़ का और आ गया, तो कितना हो गया इन दोनों को ऐड करने के बाद, 4500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में यस लिखिए प्लीज़। ठीक है, अब ऐड कर दिया, ऐड नहीं होगा इसमें, कि मतलब 2500 तो पहले से था और 2000 रुपीज़ और आ गया, तो 2500 क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, और ये सेकंड वाला है 2000 रुपीज़, ये और आ गया, इस पे ये रेट लग जाएगी 1.40, ये आ जाएगी 1.50। ठीक है, अब 3500 में से ऐड कर देंगे इसे, तो क्या जाएगा, 6500 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब टेंथ के बाद बताओ क्या आएगा, टेंथ के बाद कौन से आएगा, यस 15 आएगा। ये 15 वाला अपन फिर से लिखेंगे, डेट लिखेंगे 15/19 लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, और 3000 रुपीज़ क्या है, इशू है, तो यहाँ लिख देंगे 3000 रुपीज़। अब 3000 रुपीज़ क्या करना है, इशू करना है अपन को, तो सबसे पहले किस में से करेंगे, कौन सा मेथड है, फीफो मेथड। तो पहला कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। तो मतलब अब इसमें से देखेंगे कि अब इसमें से कितना अमाउंट निकालना है अपन को, 15 को कितना बोला, 3000 रुपीज़, तो इसमें से 25 तो अपन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास 25 ही है, तो 25 ही लेंगे। अब 500 रुपीज़ बचा। ठीक है, और 500 किस में से लेंगे अपन, इसमें से ले लेंगे, इस पे ये रेट लग जाएगी 1.40, और 500 में लग जाएगी 1.50। ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा, ठीक है, अब ये लिख दिया। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 से, तो क्या आएगा, 3500 आएगा। ये 3500 का क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 500 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.50 से, क्या आएगा, 750 आ जाएगा। तो ये 750 यहाँ लिख दिया। अब देखो ये इसका हो चुका। ठीक है, अब 2000 रुपीज़ में से 500 है वो इशू कर दिया, तो अब कितना बचा बैलेंस, मटेरियल गोदाउन में कितना बचा,
यस 1500 मटेरियल यहाँ बच गया और रेट कौन सी लग जाएगी 1.50। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2250। ठीक है, ये 15 का हो गया। इसी तरह 20 का होगा, आपको समझ में आ, आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप आगे भी कर सकते हो। 19,300 में जल्दी से कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.80 इन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5400 आएगा। इशू में कुछ नहीं आएगा, पहले से 1500 था और 3000 रुपीज़ और आ गया। ठीक है, ये इस पे ये इसकी रेट लग जाएगी, ये नई रेट यहाँ आ जाएगी। अभी से 5400 है ये, ठीक है ध्यान रखना। 2250 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 7650। ठीक है, अब आपके पास एक होमवर्क है कि आप 25 डेट को इशू कैसे करेंगे, वो वाला करके बताओ मुझे। 25 वाला है ये वाला, ये वाला ये कैसे इशू करेंगे ये करके बताओ मुझे। ठीक है, और कमेंट्स में अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।